नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी से। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरा भी नमस्कार आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को। डॉक्टर आनंद, अगर भूख और प्यास को कंट्रोल करना हो तो क्या कोई ऐसा प्राणायाम है जिसके जरिए भूख और प्यास को कंट्रोल किया जा सकता है? मुझे रामचरितमानस के बारे में एक प्रसंग याद आ गया। जब राक्षसों को मारिए महर्षि विश्वामित्र जी राजा दशरथ के यहाँ गए और उन्होंने कहा कि हमारे अच्छे कार्यों में, हमारे यज्ञ आदि के कार्यों में राक्षस बहुत तंग कर रहे हैं, आपके पुत्र राम में ऐसी शक्ति है कि वो इनको ये बाधा हटा सकते हैं। तो विश्वामित्र जी गए और उनकी आज्ञा से राजा दशरथ जी ने अपने पुत्र राम को और लक्ष्मण जी को उनके साथ उनके आश्रम में भेजा। भगवान राम और लक्ष्मण से विश्वामित्र जी ने बताया कि राक्षसों को मारने के लिए थोड़ा भी अगर गैप मिल जाएगा, अवकाश मिल जाएगा, तो फिर आप वो पुनः ताकतवर हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि पहले मैं आपको दो प्राणायाम सिखाऊंगा, दो तकनीक सिखाऊंगा कि अगर आपको प्यास लगे या भूख लगे तो उस प्राणायाम को पहले सिद्ध कर लीजिए जिससे राक्षसों को मारने में सफलता मिले। ऐसे ही जब मैं अपने गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी के साथ रहता था तो मैं देखता था कि मेरे गुरुदेव पांच पांच दिन, सात सात दिन न भोजन करते थे, ठोस भोजन करते थे, न ठोस भोजन करते थे और न ही पानी पीते थे। न उनके कार्यशैली में कोई निष्क्रियता आती थी और न ही उन्हें कोई कमजोरी आती थी। तो मैंने एक दिन पूछा कि गुरुदेव, अगर हम लोग दो टाइम भोजन नहीं करते हैं तो शरीर सुस्त पड़ जाता है और कमजोरी अनुभव होती है, ये कौन सी तकनीक है? तो उन्होंने एक दिन प्रश्न को सुनने के बाद टाल गए, पर मैंने जब आग्रह किया तब उन्होंने मुझे ये दोनों क्रियाएं बताई। इस क्रिया को मैंने स्वयं अपने ऊपर किया है और जो बहुत ऐसे लोग जिनको बहुत भूख लगती थी, अब भूख न लगने पर बेचैनी होती थी, या बहुत प्यास लगती थी और पानी न मिलने पर बेचैनी होती थी, उन पर भी मैंने प्रयोग किया और मैंने 100% सफल पाया। तो बहुत लोगों को यही मालूम है कि प्राणायाम बायो इलेक्ट्रिसिटी ही बढ़ती है, कि वास्तव में प्राणायाम की जो प्राणायाम है इनके क्रमशः नाम ये हैं, एक का नाम है शीतकारी प्राणायाम, दूसरे का नाम है शीतली प्राणायाम। समझ दो, इनका भी वर्णन है। पहला है शीतकारी प्राणायाम और दूसरा है शीतली प्राणायाम। तो अगर आपको भूख हो और किसी कारण से भोजन नहीं करना चाहते या भोजन कर लेंगे तो आप अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, तो या प्यास लगी हो और किसी प्रकार से पानी उपलब्ध न, इस प्राणायाम को अगर आप करेंगे तो आपकी प्यास शांत हो जाएगी। आज मैं आपके दर्शकों को ये दोनों प्राणायाम की करने की स्पष्ट विधि बता रहा हूँ और मेरा दावा है, मेरा विश्वास है कि जो लोग इसको आवश्यकता अनुसार करेंगे उनको लाभ होगा। तो पहला प्राणायाम है शीतकायाम, पहला प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। प्राणायाम में
वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको भयंकर भूख लगी हो उस समय ये प्राणायाम करके देखिए, लगभग 5 मिनट। 5 मिनट में ही आपको ऐसा लगेगा कि अब भूख नहीं लग रही है। तो मैंने बहुत से मोटे लोगों पर ये प्रयोग किया, लेकिन ये प्राणायाम उन लोगों पर हम नहीं कर सकते हैं जिनका स्वभाव शीतल होता है। अगर आपको थोड़ी थोड़ी सी बात में ठंडक लग जाती है, उसके पहले फिर आपको कुछ अन्य क्रियाएं करनी पड़ेंगी, तब आप कर सकते हैं। तो आइए पहले हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम 4 शब्द हैं, शा ता का रा। शीतकारी प्राणायाम में आप अपने जीभ को थोड़ा बाहर निकालेंगे और दोनों ऊपर नीचे के दांतों में इसको मुलायमियत से दबा लेंगे। उदाहरण के लिए देखिए मेरे को, ऐसे जीभ मैंने बाहर निकाला ऐसे, और आप जीभ को बाहर निकाले हुए श्वास को मुंह से खींचेंगे। यही 2 प्राणायाम ऐसे हैं जिनको मुंह से खींचते हैं और नाक से निकालते हैं। देखिए मेरे को, ऐसे मैंने किया, मैंने मुंह से श्वास को खींचा और दांतों में काफी ठंडक अनुभव कराते हुए अंदर श्वास गया और नासिका से निकाल दिया। अगर हमको केवल ठंडक, शरीर हमारा ताप रहा है, बुखार से तप रहा है, या अधिक गर्मी लग रही है, या जिनको बहुत गर्मी लगती है, वो लोग क्या करेंगे, जीभ को दबा करके श्वास को खींचेंगे और उसका इम्प्रेशन, उसका प्रभाव गले में पड़ेगा और नाक से निकाल देंगे। पुनः देखिए, यानी ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में जीभ को दबा लेते हैं, थोड़ा बाहर रखते हैं। इतना दबाते हैं कि जीभ और मुंह से श्वास को खींचेंगे, गले में उसका ठंडक का प्रभाव लगेगा, क्योंकि इस प्राणायाम में जब हम श्वास को खींचते हैं तो हमारे बाहर की गर्म हवा भी ठंडी हो जाती है। तो इस प्रकार के करने से हमारे शरीर का जो ताप है वो घट जाता है। लेकिन अगर हमको भूख शांत करनी हो, भूख मारना, भूख शांत करनी हो, तो आप इसको जब श्वास को खींचेंगे और फिर जैसे गुटकते हैं रोटी, दाल, चावल या जो भी आप भोजन करते हैं उसकी जैसे गुटकते हैं, वैसे ही उस हवा को अंदर गुटकेंगे और पेट पर ले जाएंगे। देखिए पुनः, यानी श्वास को मुंह से खींचेंगे और जैसे आप रोटी गुटकते हैं या दाल गुटकते हैं या चावल गुटकते हैं, ऐसे ही गुटकेंगे 4-5 मिनट, तो आप अनुभव करेंगे कि आपका पेट भी भर गया। इसी में बहुत से योगी लोग, अगर उनको कोई खाने की इच्छा होती है, रसगुल्ला है, पेड़ा है, मिठाई है, तो वो लोग गुटकते समय साकार कल्पना करते हैं कि हम अमुक चीज खा रहे हैं, तो उनकी जो है बिना खाए हुए इच्छा पूरी हो जाती है। इस प्रकार से योगियों ने खोज किया है कि किस प्रकार से आप शीतकारी प्राणायाम करके अपने भूख को शांत करें। ये प्रयोग आप करिएगा जब आपको जबरदस्त भूख लगे और भोजन न मिले, तब ये प्रयोग करिएगा। आप देखेंगे कि आपकी भूख 2-3 घंटे के लिए शांत हो गई। वह कहावत भी है कि
कहाँ से आ रहे हो? बोले हवा खा के आ रहे हैं। हो सकता है प्राचीन काल में इस क्रिया का कोई प्रचार हो। फिलहाल भगवान राम को महर्षि विश्वामित्र ने सिखाया था, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, मैंने अपनी प्राणायाम की सही विधि किताब में इसको दिया भी है। दूसरा प्राणायाम है शीतली प्राणायाम, शा ता ला, उसमें चार अक्षर हैं, उससे भूख शांत होती है। इसमें तीन अक्षर हैं, इसमें प्यास शांत होती है। इसकी भी विधि बहुत सरल है। आप अपने जीभ को चम्मच की तरह बनाइए, देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, ये यानी जीभ के बीच में गैप, देखो देखा है, ये ऐसे जीभ को बना कर लीजिए और मुंह को हल्का सा बंद कर लीजिए। शीतकारी प्राणायाम में बगल से श्वास जा रही थी, इसमें बीच से श्वास जाएगी और इस प्रकार से यानी बीच में जो चम्मच जैसा जीभ बनाया हमने, और जिनके ना बने वो लोग चम्मच को लगा भी सकते हैं दोनों सिरों के बीच में, और इस प्रकार से श्वास को खींचेंगे और जो आपके गले में ठंडक सी लगेगी और नासिका से निकाल देंगे। शीतकारी प्राणायाम की तरह इस प्राणायाम में भी ताप कम करते हैं, लेकिन जब आप कुछ पीना हो, पानी पीना हो या जूस पीना हो या दूध पीना हो या शहद नींबू पानी पीना हो, तो आप इसी प्रकार से श्वास को चम्मच बना करके श्वास को खींचेंगे और जैसे पानी निकलते हैं, जैसे जूस निकलते हैं, ऐसे ही निकलेंगे। अगर आप केवल पानी पीना हो तो पानी की कल्पना करेंगे और आंख बंद करके पानी जैसा देखेंगे। यदि आपको जूस पीना हो, अनार का जूस पीना हो, तो आप अनार की कल्पना करेंगे। इस प्रकार से फिर मुझे देख लीजिए, हम समय सीमाओं से बंधे हुए हैं। जीभ को बाहर निकाला, चम्मच बनाया, जो चम्मच नहीं बना सकते हैं तो चम्मच लेकर के दोनों सिरों के बीच में रख दें और मुंह बंद कर लें और श्वास को खींचिए। जैसे पानी निकलते हैं, जूस निकलते हैं, दूध निकलते हैं, ऐसे निकलेंगे। इस प्रकार से लगभग 5 मिनट करते हैं। 5 मिनट में आपकी एकदम प्यास बुझ जाएगी और जो चीज आप लेना चाहें उसको कल्पना के द्वारा कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कल्पना से कैसे पेट भर जाएगा, हम लोग अभी 1 मिनट बाद समाप्त कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, जब आप आंख बंद करके इमली की याद करते हैं, इमली को तोड़ते हैं, इमली को छीलते हैं, इमली को आप चखते हैं, इमली को खाते हैं, तो कल्पना में ही हमारा मुंह लार से भर जाता है। ऐसे ही हम कल्पना के द्वारा हम उसको पीते हैं और हमारे गुरुदेव का तो कहना यह है कि योगी लोग इसी प्रकार से शीतली प्राणायाम करके और वो अपनी मानी हुई वस्तु को, चाही हुई वस्तु को पी लेते थे। फिलहाल आप कितना मेरी बात को मानते हैं ये तो आपकी साधना पर निर्भर है, लेकिन मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, अपने गुरुदेव का अनुभव बता रहा हूँ। रामचरितमानस में महर्षि विश्वामित्र जी ने भगवान राम को और लक्ष्मण जी को सिखाया था कि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो भूख और प्यास पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। यही दोनों प्राणायाम है जिनके द्वारा लाभ उठाया। धन्यवाद डॉक्टर आनंद, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी धन्यवाद, नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।